What do you Ashish? रडार पे वो स्पेस है जो इस हफ्ते लंबे अरसे बाद वापस फोकस में आ रही है. उछाल देखने को मिल रहा है. इनफैक्ट 3 महीनों के कंसोलिडेशन के बाद बैंक्स और बैंक में वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक रडार पर है. मैं बात कर रहा हूं कर्नाटका बैंक की. 1924 में गठन हुआ था. 9 दशक पुरानी फ्रेंचाइज है जिसका बेहद एक्सटेंसिव दक्षिण भारत में प्रेजेंस है और उसमें भी खास तौर पर इसके होम स्टेट कर्नाटक में. ओवर द इयर्स इसने 3 बैंक्स का अपने में विलय करा. बेहद तगड़ा पिछले 5 सालों में ब्रांच एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है. ऑन एन एवरेज 53 ब्रांचेस एनुअली ये बैंक ऐड कर रहा है. FY13 में 550, उसके सामने FY17 में 765 ब्रांचेस हो गई हैं. 21 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज में इसकी प्रेजेंस है. स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेजेंस है दक्षिण भारत में जहां पे ऑलमोस्ट 600 ब्रांचेस है और उसमें भी 80% ध्यान रखें कर्नाटका राज्य में है. FY18 तक बड़े एग्रेसिव टारगेट्स हैं ब्रांच नेटवर्क बढ़ाकर 800 करना और FY20 तक 1000 ब्रांचेस 2500 ATMs करने का लक्ष्य है और कॉन्स्टेंटली नॉर्दर्न रीजन्स में अपनी एक्सपेंशन कर रही है, प्रेजेंस बढ़ा रही है. यही नहीं, यूनिवर्सल सॉम्पो जनरल इंश्योरेंस में भी इनके पास 15% की हिस्सेदारी है. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वेल कैपिटलाइज बैंक नजर आएगा आपको. Q3 के एंड में जो बेसिल 3 के अंतर्गत 12.26 पे कैपिटल एडिक्वेसी है जबकि रिक्वायरमेंट मिनिमम 9% की होती है. तो वेल कैपिटलाइज है ग्रोथ को, बिजनेस को एनहांस करने के लिए. टर्नओवर और टारगेट FY17 में 94,000 का इसका बिजनेस टर्नओवर था. FY20 तक मैनेजमेंट के इंटरनल टारगेट्स हैं इसे दोगुना करकर 1,80,000 करोड़ रुपए पहुंचाने के. इनफैक्ट इस कंपनी की योजना है, इस बैंक की योजना है भारत की टोटल पॉपुलेशन का 1% प्रिफर्ड बैंकिंग के तौर पे कर्नाटका बैंक को इस्तेमाल करें. स्टैंड्स और स्ट्रेटजी में बड़े बदलाव हुए. आपको याद होगा एसेट क्वालिटी को लेकर चिंताएं थी, लार्ज कॉर्पोरेट सेगमेंट में धीमापन था, तो इस बैंक ने अपना एक्सपोजर रिटेल MSMEs की तरफ बढ़ाया जो हाई यील्डिंग सेगमेंट्स होते हैं और अब जो हायर रिटेल बुक है उस ट्रांसफॉर्मेशन का भरपूर फायदा मिलेगा इस बैंक को इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में. इनफैक्ट एसेट क्वालिटी एक और कंसर्न होती है बैंकिंग स्पेस में और कर्नाटका के बैंक से अब भी दिक्कत हुई थी. पिछले कुछ सालों में एसेट क्वालिटी काफी डिटोरिएट हो गई थी क्योंकि कर्नाटका में सूखा पड़ा था और साथ साथ इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिला था. पर इस बैंक ने ऑलरेडी अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित कर दिए हैं, कोई ओवरहैंग नहीं है और रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे. ग्रॉस NPAs 4.13 से घटकर 3.97% पे पहुंच चुके हैं. नेट NPAs में भी सुधार देखने को मिला है. इनफैक्ट इस बैंक का टारगेट था FY18 के एंड पे ग्रॉस NPAs 4% के नीचे लाना. Q3 में ऑलरेडी वो हो चुका है. नेट NPAs भी 2% के नीचे लाने की योजना है जो एक्सपेक्टेड अगले क्वार्टर में डिलीवर करते हुए नजर आएंगे. Q3 की मैंने बात कर दी है, नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं तो उसकी कुछ हाइलाइट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी. कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी में एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट था. लोन ग्रोथ Q3 में 24% है. ध्यान रखिए इस समय बैंकिंग स्पेस ग्रोथ से जूझ रहा है, दिक्कतें सामने हैं, उस लिहाज से तो बेहद स्टेलर लोन ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको. क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 77% पे है, पिछले 17 साल में सबसे बेहतर. NIMs इंप्रूव होकर 3% के पार जा चुके हैं. इनफैक्ट स्लिपेजेस कर्टेल करे हैं, टोटल स्ट्रेस एसेट बुक रिड्यूस करी है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो इंप्रूव करा है. ये तमाम पॉजिटिव्स हैं इस Q3 के नंबर्स के जो ऑलरेडी आ चुके हैं. कॉन्स्टेंटली डिविडेंड पे करती है, अपने मुनाफे का 20% ज्यादा डिविडेंड डोल आउट करती है, तो अच्छा खासा डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है ये. और सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन आएंगे आपकी स्क्रीन पर. सबसे सस्ता अपने तमाम पीयर सेट पे, इनफैक्ट मैं कह सकता हूं सबसे सस्ता प्राइवेट सेक्टर बैंक आपको नजर आएगा. महज 0.8 times FY18 बुक्स पे कामकाज करता हुआ. बाकी के प्लीज सारे कंपैरिजंस आपकी स्क्रीन पे चलते रहेंगे, उसमें बताने की जरूरत नहीं है, वो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आएगा किस हद तक सस्ता है. बड़ा इंटरेस्टिंग M&A कैंडिडेट है और कहा जाता है बेस्ट इन क्लास M&A कैंडिडेट है. आपने सुना भी होगा कई बार, जो एक्वायर करेगा उसको जिस तरह की ब्रांच नेटवर्क मिलेगा, जिस तरह का दक्षिण भारत में प्रेजेंस मिलेगा, जिस तरह की स्ट्रांग फ्रेंचाइजी मिलेगी और वैसे भी चीपेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस है जिसमें कोई आइडेंटिफाइएबल प्रमोटर नहीं है. जो तमाम आर्ग्यूमेंट्स मैंने हाईलाइट करें वो कंफर्ट देते हैं इस स्टॉक के लिहाज से. रेडार पर रखें.